जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संकम में आपका स्वागत है। इस संकम में हम जानेंगे कि रुद्राक्ष की क्या क्या विशेषताएं होती है तथा राशि या लग्न के अनुसार आप कौन कौन से रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इस अंक को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में ज्योतिष जगत से जुड़े अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, रुद्राक्ष के बारे में कई प्रकार की जानकारी आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि रुद्राक्ष का राशि या लग्न के अनुसार हम पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और यदि हाँ तो कौन कौन से रुद्राक्ष हमारे लिए लाभकारी रहेंगे। रुद्राक्ष से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस संबंध में सबसे पहला प्रश्न ये है कि रुद्राक्ष क्या होता है। दोस्तों, रुद्राक्ष एक फल का बीज होता है जिसके पेड़ हिमालय एवं विश्व के कुछ अन्य देशों में पाए जाते हैं, जैसे इंडोनेशिया। भारत का रुद्राक्ष अलग होता है और नेपाल का रुद्राक्ष अलग होता है। इसके साइज के साथ ही इसके प्रभाव भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष का अर्थ कई लोगों ने रुद्र के अक्ष अर्थात आंसू के रूप में बताया है, लेकिन अक्ष का एक और अर्थ होता है अक्ष अर्थात एक्सिस। जिन लोगों ने मैथ सब्जेक्ट में पढ़ाई की है उन्हें पता होगा कि एक्सिस क्या होता है, जैसे अक्षांश आदि। इसी तरह हर रुद्राक्ष में जो लकीरें होती है वो उसके एक्सिस को निर्धारित करती है। इस ब्रह्मांड में और ईश्वर अर्थात रुद्र के कितने अक्ष होंगे यह किसी को नहीं पता। इसी आधार पर रुद्राक्ष के कितने रूप होते हैं या कितने मुखी तक रुद्राक्ष हो सकता है यह कोई नहीं बता सकता। अभी तक ज्ञात रुद्राक्षों में 64 मुखी रुद्राक्ष ज्ञात है, इसके अधिक मुख वाले भी रुद्राक्ष भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि रुद्राक्ष काम कैसे करता है एवं इसके क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों, चूंकि रुद्राक्ष हिमालय में मिलने वाले पेड़ों के फल का ही बीज होता है, इसलिए इसमें ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जो शरीर को उष्णता अर्थात गर्मी और शक्ति अर्थात एनर्जी प्रदान करते हैं। इसलिए जो साधु महात्मा हिमालय में साधना के लिए जाते हैं उनके गले में एवं हाथ में कई रुद्राक्षों की माला रहती है ताकि हिमालय के ठंडे माहौल में उन्हें गर्मी और शक्ति की प्राप्ति होती रहे। इसके अलावा रुद्राक्ष अंदर से खोखला भी होता है एवं उसमें मौजूद तत्वों के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण भी होता है जो हमारी ओरा पर प्रभाव डालते हैं। अलग अलग रुद्राक्षों का प्रभाव अलग अलग होता है। साथ ही रुद्राक्ष की माला या ब्रेसलेट या लॉकेट हमारे शरीर पर जहाँ स्पर्श करते हैं वहाँ एक्यूप्रेशर के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और हम चिंता व तनाव मुक्त रहते हैं। इसके अलावा जिस रुद्राक्ष में जिस ग्रह से संबंधित गुण मौजूद होता है वो उसका प्रभाव देने लगता है। दोस्तों, जो लोग बार बार डिप्रेशन का शिकार होते हैं उन्हें कोई ना कोई सा रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, और यदि महंगा रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते तो 5 मुखी रुद्राक्ष कुंडली दिखाकर अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, सभी ओरिजिनल रुद्राक्ष काल सर्प दोष के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, इसलिए जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष के कारण दिक्कत आ रही हो उन्हें कुंडली का विश्लेषण करवाकर रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, असली रुद्राक्ष की पहचान करना बहुत ही मुश्किल काम है। कई लोगों का यह कहना है कि असली रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है वो नकली तैरता रहता है, लेकिन दोस्तों यह पहचान पूरी तरह से सही नहीं है। किसी नकली रुद्राक्ष में रेत या लोहा भरकर भी पानी में डुबाया जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि असली रुद्राक्ष 2 सिक्कों के मध्य गोल घूमता है, लेकिन यह भी सही नहीं है। रुद्राक्ष पर पड़ने वाले दबाव के कारण रुद्राक्ष अपने वजन की दिशा में गोल घूम सकता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के परीक्षण बताए जाते हैं जो बिल्कुल असरकारक नहीं है। दोस्तों, 2, 3, 4, 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष नकली नहीं आते क्योंकि ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें अधिक मुख वाले रुद्राक्ष काफ़ी महंगे आ सकते हैं, इसलिए अपनी विश्वसनीय दुकान से गवर्नमेंट लेब सर्टिफाइड रुद्राक्ष ही खरीदें। ऐसा न करने पर कोई भी आपको सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा 1000 रुपये में बेच सकता है, जिसका कोई असर नहीं होगा और आपका ज्योतिषीय विश्वास भी उठ सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि क्या हम रुद्राक्ष और रत्न एक साथ पहन सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों ने उंगलियों में रत्न पहने होते हैं, साथ ही रुद्राक्ष की माला या पेंडल भी धारण कर लेते हैं।
यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि रुद्राक्ष की कीमत रत्नों से कम होती है, अतः जो व्यक्ति महंगे महंगे रत्न नहीं खरीद सकता वो उन ग्रहों से संबंधित रुद्राक्ष पहन सकता है, या कुंडली का अध्ययन करवाकर कार्य विशेष के लिए रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रुद्राक्ष को धारण कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप जो भी रुद्राक्ष धारण करें, पहले उसे कुछ दिन सरसों के तेल में पूरी तरह डुबाकर रखें। रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा और पूजन करना अनिवार्य होता है। रुद्राक्ष की पूजा बिल्कुल शिव पूजा के समान होती है। जिस दिन रुद्राक्ष धारण करना हो, उस दिन सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल से धोकर फिर उसके पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाना चाहिए। फिर शिव मंत्रों का 108 बार जाप और रुद्राक्ष से संबंधित ग्रह का 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग से स्पर्श करवाकर शुभ मुहूर्त में उस ग्रह के वार के अनुसार और उस ग्रह के रंग के अनुसार धागे में या चेन में रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, रुद्राक्ष एक बहुत ही पवित्र वस्तु है एवं इसमें साक्षात शिव का वास होता है, इसलिए इसको धारण करने के बाद इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रात में रुद्राक्ष उतार कर सोना चाहिए। रुद्राक्ष धारण कर शमशान में नहीं जाना चाहिए एवं जहां सूतक लगा हो वहां भी रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी कारण से रुद्राक्ष की पवित्रता खंडित हो जाए तो पुनः उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसे धारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा रुद्राक्ष किस किस लग्न के जातक धारण कर सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार रत्न धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण करवाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार रुद्राक्ष धारण करने से पहले भी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है। आजकल रुद्राक्ष पहनकर घूमना फैशन सा हो गया है। हर कोई अपने आप को भक्त बताने के चक्कर में रुद्राक्ष की माला और बड़ा सा टीका लगाकर घूम रहा है, लेकिन यदि रुद्राक्ष उसकी कुंडली के अनुसार उसके मार्केश ग्रह का हुआ या बातकेश का हुआ और यदि उसकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखा गया तो उससे भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिष से अवश्य करवाएं। दोस्तों, सबसे पहले आता है एकमुखी रुद्राक्ष। एकमुख का मतलब है शिव का वो रूप जिसका एक ही रूप है, एक ही अक्ष है, अर्थात सर्वस्व उसी में समाहित है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं। ग्रहों में यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, एकमुखी रुद्राक्ष आसानी से नहीं पाया जाता। ये सिर्फ विशेष योगियों के पास ही रहता है जो कई वर्षों तक अखंड तपस्या करते हैं। इसके अलावा जितने भी एकमुखी रुद्राक्ष आपको बाजार में महंगे दामों में देखने को मिलते हैं, इनमें से अधिकतर नकली होते हैं। एकमुखी रुद्राक्ष कभी भी पैसे देकर आपके पास नहीं आएगा। यदि आपका भाग्य और आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल होंगे कि आप एकमुखी रुद्राक्ष की शक्ति और ऊर्जा को समाहित कर सकते हैं, तो ही ओरिजिनल एकमुखी रुद्राक्ष अपने आप तक पहुंच जाएगा। एकमुखी रुद्राक्ष यदि ओरिजिनल मिल जाए तो किसी भी लग्न के जातक द्वारा धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष में यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको धारण करने के बाद सूर्य के समान यश और कीर्ति प्राप्त होती है तथा अपार धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोमुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष शिव और शक्ति का प्रतीक है, साथ ही यह चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतर लोग पति पत्नी के रिश्तों में सुधार के लिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करवा देते हैं, लेकिन बिना कुंडली दिखाए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से रिश्ते सुधरने की बजाय बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व कुंडली अवश्य दिखाए। मेष, कर्क, वृश्चिक, मीन लगने के जातक ही दो मुखी रुद्राक्ष कुंडली दिखवाकर सफेद धागे में या चांदी की चेन में सोमवार को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि तत्व का प्रतीक है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों की शक्तियों का समावेश है। तीन मुखी रुद्राक्ष मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न वाले जातक तीन मुखी रुद्राक्ष कुंडली का विश्लेषण करवाकर लाल धागे में मंगलवार को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष की। चार मुखी रुद्राक्ष को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और यह बुध ग्रह से संबंधित होता है। कई लोग पढ़ाई में कमजोर बच्चों को या बिजनेस के लिए चार मुखी रुद्राक्ष धारण करवा देते हैं,
लेकिन बिना कुंडली दिखाई ये रुद्राक्ष भी धारण नहीं करना चाहिए। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न के जातक ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर हरे धागे में बुधवार को गणेश जी की पूजा कर चार मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में। चूंकि यह रुद्राक्ष सबसे सस्ता होता है और बहुत आयत में मिलता है, इसलिए ये हमेशा ओरिजिनल ही मिलता है। लेकिन इसको धारण करने से पूर्व भी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। पांच मुखी रुद्राक्ष के छोटे दानों की माला कई लोग धारण कर लेते हैं। यह इंडोनेशिया का दाना कहलाता है, जिसका प्रभाव काफ़ी कम होता है। पांच मुखी नेपाली दाना बहुत प्रभावकारी होता है, इसलिए जब भी आप पांच मुखी रुद्राक्ष लें तो नेपाली दाना ही धारण करें। यह रुद्राक्ष साक्षात रुद्र का प्रतीक माना जाता है और ग्रहों में बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों को यह सूट नहीं करता, उन्हें इसको पहनने के बाद गुस्सा आना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको धारण करने से पूर्व भी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। पांच मुखी रुद्राक्ष मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु एवं मीन लग्न के जातक गुरुवार को पीले धागे में या सोने की चेन में विष्णु जी की पूजा कर या रुद्र का पाठ कर और पूजा कर कुंडली का विश्लेषण करवाकर धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की। छह मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ग्रहों में इसे शुक्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कुछ लोग बिजनेस, वृद्धि या धन लाभ के लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण करवा देते हैं, लेकिन बगैर कुंडली का विश्लेषण करवाए छह मुखी रुद्राक्ष हानि भी करवा सकता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगने के जातक ही छह मुखी रुद्राक्ष क्रीम रंग के धागे में या चांदी की चेन में कुंडली का विश्लेषण करवाकर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा कर धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की। यह रुद्राक्ष थोड़ा महंगा आता है। सात मुखी रुद्राक्ष सात समुद्रों का, सप्तर मातृकाओं का प्रतीक माना जाता है एवं ग्रहों में यह शनिदेव का प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है। यदि सात मुखी रुद्राक्ष आपकी कुंडली के अनुसार आपको सूट हो गया तो इसको धारण करते ही आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपकी सारी चिंताएं समाप्त होने लग जाएगी। ईश्वर पर आपका विश्वास बढ़ेगा और आप में स्थिरता का संचार होगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगने के जातक सात मुखी रुद्राक्ष कुंडली का विश्लेषण करवाकर शनिवार को नीले या काले धागे में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए ग्रहों के अनुसार सात ग्रहों के सात रुद्राक्ष। अब हम बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त मिलने वाले रुद्राक्ष किस प्रकार के होते हैं एवं उनका प्रभाव क्या होता है। दोस्तों, अगला रुद्राक्ष है आठ मुखी रुद्राक्ष। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्ट विनायक श्री गणेश जी का एवं साक्षात भैरव जी का प्रतीक माना जाता है एवं चार मुखी रुद्राक्ष का और उत्कृष्ट रूप है। यह भी बाकी रुद्राक्षों से महंगा आता है। यह रुद्राक्ष राहु ग्रह के बुरे प्रभाव को तुरंत समाप्त कर देता है, इसलिए जिन लोगों को राहु जनित दोष होते हैं, अकारण भय लगता है, कामकाज में हमेशा परेशानी आती है एवं उन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या और कोई सा राहु जनित दोष हो, तो उन्हें यह रुद्राक्ष कुंडली का विश्लेषण करवाकर धारण करना चाहिए। क्योंकि इसकी ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। अगला रुद्राक्ष है नौ मुखी रुद्राक्ष। नौ मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और कुंडली में केतु जनित दोष को समाप्त करता है। यह भी बाकी रुद्राक्ष से महंगा आता है। इसको धारण करने के बाद आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ता है। नव दुर्गा का प्रतीक होने के कारण यह महिलाओं के लिए विशेष लाभदायक होता है। इसको धारण करने के बाद किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता। यह रुद्राक्ष सभी प्रकार के दुखों से बचाता है एवं एक प्रकार से कवच का कार्य करता है। लेकिन चूंकि इसकी ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए एवं कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही इसे धारण करना चाहिए। अगला रुद्राक्ष है दसमुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष पांच मुखी रुद्राक्ष का उत्कृष्ट रूप है एवं साक्षात विष्णु जी का प्रतीक है। इससे मुकदमे, भूमि का विवाद तथा कर्जे से मुक्ति मिलती है। इसे भी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही धारण करना चाहिए। यह भी काफ़ी महंगा रुद्राक्ष आता है। अगला रुद्राक्ष है ग्यारह मुखी रुद्राक्ष। यह हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है एवं शनि संबंधित दोषों को दूर करने के लिए कार्य करता है।
प्रतियोगी परीक्षा, वाक शक्ति एवं एकाग्रता के लिए इसका उपयोग होता है। यह भी काफी महंगा रुद्राक्ष है। अगला रुद्राक्ष है बारहमुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष सूर्य का प्रतीक माना जाता है। यह रुद्राक्ष आत्मसम्मान की कमी को दूर करता है। पद प्रतिष्ठा एवं धन लाभ के लिए इसे धारण किया जाता है। इसे भी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही धारण करना चाहिए। यह भी काफ़ी महंगा रुद्राक्ष है। अगला रुद्राक्ष है तेरह मुखी रुद्राक्ष। इसके स्वामी इंद्रदेव है एवं यह कामदेव का प्रतीक माना जाता है। यह रुद्राक्ष व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने के लिए एवं कुंडलियां जागृत करने के लिए लाभकारी है। फिल्म अभिनेता, राजनेता एवं मार्केटिंग के लोगों के लिए लाभकारी होता है। यह रुद्राक्ष लोकप्रियता में वृद्धि करता है। इसे भी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही धारण करना चाहिए। यह भी काफ़ी महंगा रुद्राक्ष है। अगला रुद्राक्ष है चौदह मुखी रुद्राक्ष। चौदह मुखी रुद्राक्ष अनमोल ईश्वरीय रत्न है। इसे साक्षात देवमणि कहा जाता है और इसके अधिपति शिव और महाबली हनुमान है। ये धारणकर्ता को दुर्घटना, यातना व चिंता से मुक्ति दिलाते हुए सफलता की ओर ले जाता है। चौदह मुखी रुद्राक्ष के अधिपति ग्रह शनि और मंगल है, अर्थात यह रुद्राक्ष शनि और मंगल दोनों ग्रहों की बाधा से उत्पन्न दोषों का निवारण करता है। जिसकी भी साढ़े साथी या ढैया चल रही होती है, ऐसे तमाम लोग इसे पहनने से बड़ी राहत मिलती है। अगला रुद्राक्ष है पंद्रह मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष भगवान पशुपतिनाथ का स्वरूप है। हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा जैसे रोगों से यह राहत दिलाता है। सोलह मुखी रुद्राक्ष यह भगवान शिव का महामृत्युंजय रूप है। इसे विजय रुद्राक्ष भी कहा जाता है। शत्रु को पराजित करते हुए दिग्विजय होने में यह शुभाशीष प्रदान करता है। इसे धारण करना प्रतिदिन कई महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बराबर माना जाता है। सत्रह मुखी रुद्राक्ष इसके अधिपति विश्व के निर्माता विश्वकर्मा है। धारणकर्ता को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। अपने पेशे में वो भाग्य में लगातार बढ़ोतरी चाहने वाले व्यापारी, प्रबंधक, सरकारी अधिकारी तथा राजनेताओं के लिए सत्रह मुखी रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी है। अठारह मुखी रुद्राक्ष यह भूमि देवी का स्वरूप है। यह धारणकर्ता के लिए व्यवसाय, भूमि व्यवहार तथा अपार वैभव के रास्ते खोलने वाला एक शक्तिशाली रुद्राक्ष है। यह मधुमेह और लकवा जैसे रोगों में आराम दिलाता है। उन्नीस मुखी रुद्राक्ष यह भगवान नारायण का स्वरूप है। यह रुद्राक्ष शरीर के सारे चक्र खोल देती है, जिससे व्याधियों से मुक्ति मिलती है। यह नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के सारे अवरोधों को दूर करता है। बीस मुखी रुद्राक्ष यह रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। इसमें नवग्रह, आठ दिक्पाल तथा त्रिदेव की शक्तियाँ हैं, जिससे व्यक्ति की सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। 21 मुखी रुद्राक्ष यह एक दुर्लभ रुद्राक्ष कुबेर देव का स्वरूप है। धारण करने वाला अपार जमीन जायदाद, सुख और भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने का वरदान पाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं एवं कई मुख तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे रुद्राक्ष भी होते हैं, जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष। जिन जातकों की शादी में दिक्कत आ रही है या वैवाहिक जीवन में तकलीफ चल रही है, उन्हें यह धारण करना चाहिए। गणेश रुद्राक्ष को धारण करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन जिन रुद्राक्षों पर शिवलिंग, नाग आदि कोई आकृति बनी होती है, वो नकली होते हैं, जिसे पांच मुखी रुद्राक्ष पर चिपका कर बनाया जाता है। इसलिए ऐसे रुद्राक्ष धारण न करें। दोस्तों, कई लोग रुद्राक्षों को मिलाकर भी पेंडल बनाकर भी धारण करते हैं, या कई लोग कई रुद्राक्ष को जोड़कर माला भी पहनते हैं, जिसमें अलग अलग मुख के रुद्राक्ष होते हैं, या एक ही रुद्राक्ष के कई दाने धारण करते हैं। लेकिन यह भी कुंडली दिखाकर ही धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रुद्राक्ष संबंधित संक्षिप्त जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप पर शेयर करना या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर इसे अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। यदि कार्यक्रम से संबंधित आपका कोई सा सुझाव है या जन्म पत्रिका से संबंधित आपका कोई सा प्रश्न है तो हमारे चैनल के नए वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।